हेलो एवरीवन नमस्ते कैसे हो आप लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ तो आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आ गई हूँ जो मतलब स्किन से रिलेटेड वीडियो है स्किन की मैंने ऐसी कुछ बहुत सारी गलतियाँ की है जो मैं चाहती हूँ कि आप मत वो गलती करें जो मैंने प्रोडक्ट अपनी स्किन पे यूज़ करे जिससे मेरी स्किन ख़राब हुई है तो प्लीज़ वो प्रोडक्ट आप बिल्कुल मत यूज़ करें जिससे आपकी स्किन ख़राब हो तो चलो बिना टाइम गवाए चलते हैं वीडियो की और लेट्स गेट स्टार्टेड अगर मेरे पास मेरी पुरानी पिक्चर्स होगी कहीं भी जो मेरी स्किन की पहले हालत थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो मैं कहीं भी स्क्रीन पे आपको दगा दूंगी वो फ़ोटो मेरे फ़ेस की हालत उसके बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मैं आपको सच में बताऊं तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार मतलब क्योंकि फेस ऐसी चीज़ होती है कि हम हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बिल्कुल लो हो जाता है मतलब अगर हमारे फेस पर कुछ भी हो जाए तो मैंने क्या लगाया था तो मैं आपको बताती हूँ मैंने बेटनो बेटन लगाई थी तो प्लीज़ 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 प्लीज, अब मुझे कमेंट मत करने लग जाना कि ये वो क्यों लगाया ऐसा वैसा यार मैं बच्ची थी उस टाइम मतलब मुझे पता नहीं था कि क्या चीज़ है मैंने भी ऐसी वीडियो देख ली कोई भी यूट्यूब पे और मैंने वहाँ पे पढ़ा कि हाँ बेटनो बेटन बहुत अच्छी वो है इस पर अगर आपको इस फेस पे इसको अलाउ मतलब अप्लाई करोगे तो ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा बनाएगा ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना मतलब उसके बाद मैंने जब अप्लाई की मुझे थोड़ी थोड़ी फिंसियाँ थी मुझे सिर्फ़ एक दो पिंपल्स थे मुझे मुझे उनसे इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि जब मैंने वो लगाई तो उसके बाद मुझे फिर स्किन बिल्कुल साफ़ हो गई बहुत ज़्यादा साफ हो गई उसके बाद कुछ टाइम बाद मतलब कुछ टाइम तो क्या ही बोलो उसके बाद मेरी स्किन रेड होनी शुरू हो गई मतलब रेडनेस इतनी ज़्यादा और इतनी ख़तरनाक तरीके से मुझे नहीं पता मैंने किस तरीके से यूज़ की शायद उसको यूज़ करने का कोई और तरीका होगा तो उसके बाद जो मैंने अपनी स्किन की रिपेयरिंग की तो मैं आज तक मुझे इतना टाइम हो गया है उस चीज़ को मतलब दो साल हो गए हैं तो दो साल में अब जाके मेरी स्किन थोड़ी ठीक हुई है थोड़ी मतलब मैं आपको तब भी जैसे तो बोली थोड़ी ठीक हुई है क्योंकि मेरी स्किन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो मैं आपको बता दूँगी कि कैसी थी मेरी स्किन की हालत तो मैंने जब वो अप्लाई किया तो उसके बाद रेड हो गई मेरी स्किन और उसके बाद पता है कैसे पिंपल हुए पहले पिंपल होते थे मुझे फिर उसके बाद मुझे एक्ने की प्रॉब्लम शुरू हो गई और पता कैसे वाले पिंपल्स होते थे मुझे जैसे वो कोई पिंपल नहीं होते थे वो अजीब से कुछ ऊपर को उठ जाते थे और वो इतने मोटे मोटे और इतनी पेन होती थी इतने पेनफुल पिंपल्स होते थे मुझे यहाँ पर यहाँ पर एक्ने की प्रॉब्लम होने लगी यहाँ 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 मेरा ये पोर्शन मतलब आप जब देखोगे अगर मेरे पास पिक्चर्स होगी तो मैं वो आपको दिखा दूंगी तो ये पोर्शन मेरा ऐसा हो गया था कि मतलब मैं क्या बताऊँ मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती जब अभी मैं सोचती ना उस बारे में कभी भी आप वो गलती मत करें प्लीज़ कोई भी यूट्यूबर अगर आपको बोल रहा है तो प्लीज़ स्टॉप आप रुक जाओ आप मत यूज़ करो बेटनो बैटन मैं तो यही बोलती हूँ मत यूज़ करो क्योंकि आप अगर कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लगाओगे उससे आपके फेस पे अगर कुछ फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा तो उसके बाद मैंने क्या किया और कैसे अपनी स्किन को किया तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ठीक है तो चलो शुरू करते हैं मैंने उसके बाद मैं बहुत सारी जगह गई मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए मैंने अपने फेस पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च दिए हैं और मतलब मैं शिमला के ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा जिसके पास मैं गई नहीं होगी उसके बाद मेरी रिलेटिव भी है एक दीदी तो वो डॉक्टर है चंडीगढ़ में उनसे मैंने राय ली मैं कहा मैं क्या करूँ अपनी स्किन को मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है मैं क्या करूँ सच में मुझे बताओ आप तो उन्होंने मुझे एक क्रीम दी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अगर आपको वो सूट होती है और अगर आपको वो डॉक्टर ने बोला यूज़ करने के लिए तो आप यूज़ करें ऐसे मत यूज़ करें तो मैं यूज करती हूँ रेटिनो ए ट्रेटिनोइन ए ये देखो आप देख सकते हो ये इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगी अगर आपको चाहिए होगी इसकी कि कैसे यूज़ करते हैं इसको इससे क्या होता है आपकी स्किन पील होती है ठीक है ये मैंने यूज़ की और उसके बाद मुझे थोड़ी ही मतलब इसको आप जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है वो यूज़ मत करें जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है वो इसको यूज़ मत करें प्लीज़ तो इसमें लिखा होता है जो जो इसमें लिखी गई लिखी गई बातें हैं वो आप अप्लाई करें वैसे ही आप अपने फेस पे अप्लाई करें उसको और मैंने बहुत कुछ लगाया मैं आपको बताती हूँ मैंने और एक और चीज़ होती है कुछ प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में फर्स्ट चीज़ क्या है कि मैं कैसे अपने फेस को वॉश करती हूँ किससे अपने फेस को वॉश करती हूँ वो है क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश ये बेस्ट फेस वॉश है मैं आपको फेस वॉश है एक्चुअली सॉरी माई मिस्टेक तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इससे आपकी स्किन इसमें सेलिससेलिक एसिड होता है जो आपकी स्किन को बहुत अच्छा मतलब जो जो मुझे थोड़ी थोड़ी नॉलेज है स्किन के बारे में वो मैं आपको बता रही हूँ आपकी जो प्रोन स्किन होती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत फ़ायदेमंद होता है तो ये फेस वॉश आप ज़रूर यूज़ करें अगर आपको सूट होता है तभी मैं किसी को ये पर्सनल एडवाइस नहीं दे रही हूँ मैं अपनी जो मेरी स्किन केयर रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि उसके बाद कैसे मेरी स्किन अच्छी हुई ठीक है और उसके बाद मैंने जब ये ट्रटिनोइन मैं अभी भी यूज़ करती हूँ बीच बीच में इसको यूज़ करने का एक तरीका है मैं आपके साथ शेयर करूँगी पर बैट नो no, बैट एंड प्लीज़ छोड़ दें उसको मत लगाएं अगर कोई लगा रहा है तो मत लगाए अगर आपको सूट होती है अगर आपको वो सूट हो रही है और आपको पता है कि वो कैसे लगाना है तो मुझे भी बता दो यार क्या मैंने ऐसी क्या मिस्टेक की थी जो मतलब नहीं करनी चाहिए थी मुझे ठीक है और जो आजकल रिसेंट मैं फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ वो है नीम तुलसी फेस वॉश ये फेस वॉश बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है और ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और ये पतंजलि का प्रोडक्ट है तो मुझे तब तो बहुत ज़्यादा आराम मिला इससे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन पतंजलि के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और इसी के साथ मैं सनस्क्रीम यूज़ करती हूँ पतंजलि की जो है ये वाली देखो पतंजलि वाली सनस्क्रीम यूज़ करती हूँ मैं ये वाली एस पी एफ थर्टी ये है एस पी एफ थर्टी की है ये फ़ाइव जी मतलब पाँच ग्राम है ये तो ये मैं यूज़ करती हूँ और कभी कभी मैं क्या करती हूँ अपने फेस पे एलोवेरा जल लगाती हूँ तो अगर मैं कैसे कैसे एलोवेरा जल लगाती हूँ और कैसे कैसे क्या मेरा स्किन रूटीन है वो मैं आपके साथ कभी आराम से शेयर करूँगी मॉर्निंग और नाइट रूटीन में आप जल्दी ही एक वीडियो बना रही हूँ मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ मैं ठीक है कि मैं कैसे वीडियो बनाऊँ तो मॉर्निंग और नाइट रूटीन में मैं आपको बताऊंगी और मैं अपने फेस पे क्या क्या पैक्स लगाती हूँ उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी पैक्स के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी बट ये स्पेशली वीडियो बस उन्हीं लोगों के ऊपर है मैं बार बार यही चीज़ बोल रही बोलूँ जो बैटों बैट एन लगाते हैं वो मत लगाएं और एक चीज़ है जो आप अगर जैसे आप बार बार अपना फ़ेस क्लीन करोगे एक तो आती है वो कॉटन पैचेस जैसे आते हैं वो एक बॉक्स में वो भी आप यूज़ कर सकते हो पर मैं वो यूज़ नहीं करती मैं यूज़ करती हूँ रोज़ वाटर जब मुझे ऐसा लगे कि मेरा फेस बहुत डस्टी जैसा हो गया है तो मैं आप कॉटन बॉल निकाल सकते हो अपने बैग से और रोज़ वाटर ले सकते हो और उसे अपना फ़ेस क्लीन कर सकते हो बहुत ईजीली तो ये चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है रोज़ वाटर से तो मुझे प्यार है रोज़ वाटर तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको बार बार यूज़ करती हूँ और एक और चीज़ है मैं आपके सामने एक मामा अर्थ का प्रोडक्ट शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर ही दिया है ये है मामा अर्थ स्किन कंट्रोल फेस सीरम ठीक है और यह है बी थ्री प्लस सीरम है ये और ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए है जो ये ऐसा दिखाई देता है कुछ अगर आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक है सॉरी मेरी मम्मा चीख रहे हैं परे तो ठीक है तो ये है ये सिरम आप मामा अर्थ के प्रोडक्ट वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मामा अर्थ के प्रोडक्ट आप मैं बोल रही हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में यूज़ करें पहले आप, आप फेस पे लगा रहे हो कोई भी आप ऐसे ही नहीं कि हाँ सौ दो सौ रुपये की क्रीम मिल रही है आपको या कोई भी आपको बोलेगा तो आप चल दिए उसी तरफ आप उसके बारे में रिसर्च करो और आप देखो कि आपका फ़ेस कैसा है यार उसके बाद आप अप्लाई करो फेस की स्किन की चीज़ें ये ऐसी है कि आप किसने बोल दिया धड़ाधड़ और आप चल पड़े नहीं प्लीज़ ऐसा मत करें ये गलती है आपकी सबसे बड़ी तो ये प्रोडक्ट मैं मैंने यूज़ किया था रेटिनो के बाद जिससे मेरी स्किन बिल्कुल जैसे ग्लास जैसा ग्लो होता है ना उसके बाद वैसा आ गया था और अब मैंने छोड़ दिया मैं इसको फिर से शुरू करूँगी यूज़ करना पर आजकल मैं कौन सा सिरम यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुझे एक और चीज़ बताना कि किस किस को आप, आ, आपकी कौन कौन सी स्किन केयर आपकी किस किस टाइप की स्किन्स हैं ठीक है किसी की uh, ड्राई होती है किसी की ऑयली होती है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मैं अलग अलग पैक्स लेके आऊँगी उनके लिए और मैं खुद रिसर्च करूँगी खुद उसके बारे में पढ़ूँगी और आपको भी अच्छे अच्छे सीरम मैं जो मतलब कि अपने फेस पे अप्लाई करके पर ऐसा है कि आप उसको मतलब डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें ठीक है Uh, जो मैं आपको बताऊं तो आप डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर ले लें क्योंकि बाद में अगर मैं आपको बता दूं फिर बाद में आप बोलो कि आपने मुझे गलत बताया इससे मेरी स्किन पे ऐसा हो गया वैसा हो गया और जैसा मैं बता रही हूँ वैसा ही यूज़ करें कोई भी मैं प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ तो मैं आपको यूज़ उसके उसको कैसे यूज़ करते हैं वो आप मेरे मॉर्निंग और नाइट रूटीन में देख सकते हो पर उसको वैसे ही यूज़ करें प्लीज़ ठीक है और मैं आपको बताती हूँ एक और चीज़ के बारे में जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ ये अल्फ़ा का है सिरम जो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है इसके बाद जो जिसके पास पैसे होते हैं वो ज़रूर इसके इस सिरम को यूज़ करें ये आई थिंक सो कितने का था एटीन हंड्रेड का था ये नहीं, नहीं. फो, ना, फो मतलब पंद्रह सौ तक का था ये फोरटीन हंड्रेड फोर फोर्टीन नाइनटी नाइन है कुछ ऐसा लिखा हुआ है इसमें प्राइस तो ये पंद्रह सौ का सीरम है आप इसको कोई भी अमेजोन साइट से ले सकते हो फ्लिपकार्ट से ले सकते हो आपको वहाँ पर मिल जाएगी ऑनलाइन साइट्स पर ये सीरम बहुत ज़्यादा अच्छा है ठीक है इसमें ये एक्नी फेस सीरम है ये वाला भी और जो पिगमेंटेशन हुई होती है आपको जैसे कि आपकी नाक में कईयों को छाई जैसी हो जाती है छाइयाँ नहीं पड़ती जिनको ये वो वाला देखो आप इसका पैक दे सक देख सकते हो मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत अच्छे से ठीक है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जो मैं भी लेती थी कभी किसी और की वीडियो से तो ये वाला सिरम आप यूज़ कर सकते हो ये सिरम बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आपको कोई भी सिरम अगर आपको ऐसा लगता है कि यार फेस पे इतने पैसे खर्चना यार फे, फेस पे फेस ऐसा आप कपड़े छोड़ दो लेना आप फेस ऐसी चीज़ है कि अगर आपका फेस अच्छा लगेगा तो आपके ऊपर सब कुछ अच्छा लगेगा यार और स्किन आप ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो आपको गोरा कर दे ठीक है पर यह है कि आपकी स्किन टोन को एक टोन ज़्यादा अच्छा बना सकता है पर इतना नहीं कि आप बिल्कुल गोरे हो जाओगे कोई भी अगर आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आ रहा है तो प्लीज़ उस वीडियो को मत देखें ठीक है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएं ये स्पेशली वीडियो मैंने इसीलिए लेके आई हूँ मैं कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ और अगर आपको एक और चीज़ अगर आपको बहुत सारी कीले जैसे हो गए कील मुहासे हो गए हैं एक क्रीम है जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है ऐसी ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने इस क्रीम के बारे में नहीं सुना होगा ये आयुर्वेदिक क्रीम है इसका नाम है विको टर्मरिक हाँ जी हाँ ये विको टर्मरिक एक्चुअली कुछ कुछ चीज़ें मेरी फ़ोन में अच्छी दिखती है कुछ कुछ नहीं दिखती बिकॉज मेरे पास कैमरा नहीं है मैं फ़ोन से शूट करती हूँ तो ये क्रीम है जिसको जिसको सूट होती है या कोई यूज़ कर रहा है तो वो सही रा, रास्ते में जा रहा है स्किन केयर के पर जो यूज़ नहीं कर रहा जो कुछ और यूज़ कर रहा है तो मैं उसको नहीं बोलूँगी कि आप इसको यूज़ करें पर ये बहुत अच्छी क्रीम है अगर आपको ये सूट होता है ये प्रोडक्ट तो आप ज़रूर इसको यूज़ करें तो ये ये था जो जो मैं यूज़ करती हूँ अब मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेके कर आऊँगी मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आ, आपको किस किस को रेटिनो के यूज़ देखने हैं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं रेटिन क्रीम है ये किसको कैसे यूज़ करें मैं आपके लिए वो चीज़ लेके आऊँगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जो इंटरेस्टेड है इस वीडियो को लेके ये वीडियो सिर्फ ऐसे दिखाई थी मैंने आपको कि किस वजह से मेरा फेस इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था मैं आपको बताऊँगी ये कैसा हो गया था मेरा फेस मेरे पास है कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखा दूँगी और मैं थंबनेल में हो सके या कोई साइड में आपको पोस्ट लगा दूँगी कि वो ऐसा था मेरा फेस पहले तो अभी भी रिपेयर हो ही रहा है यार गाइस ये थोड़ा सा मतलब फ़ोन से थोड़ा ब्राइट दिखाई देता है बट एक एक स्किन टोन थोड़ा लाइट है मेरा फेस फेस मतलब डार्क है मेरा फेस और इतना क्लियर नहीं है जितना दिखाई देता है बिकॉज आई हैव मेरे मेरे भी पिंपल होते हैं यार मेरे मेरी भी पिंपल्स की प्रॉब्लम है मुझे भी पिंपल्स की प्रॉब्लम है मुझे भी पिंपल्स होते हैं और मेरे बहुत ज़्यादा हॉरेबल डार्क सर्कल्स है और एक और चीज़ मुझे किसी ने पूछा था कि आप डार्क सर्कल्स में क्या यूज़ करते हो आप मामा अर्थ की क्रीम भी यूज़ कर सकते हो मामा अर्थ का आता है बाय बाय डार्क सर्कल्स वो भी यूज़ कर सकते हो और एक है मेरे पास ड्रामा का सिरम है वो मैं आपको बता दूंगी अपने नाइट नाइट स्किन केयर रूटीन में जल्दी ही मैं लेके आऊँगी तो इतनी ही वीडियो थी आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ 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 अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे इससे मुझे बहुत ऐसा प्रेज मिलता है कि मुझे अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आनी है आपके लिए और जिसको और स्किन केयर की वीडियोस देखनी है मेरे चैनल पे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि मैं किससे रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ और मैं जल्दी ही स्किन केयर की रूटीन की वीडियो आपके सामने लेके आऊँगी और लास्ट में मैं एक और चीज़ बोलूँगी अब मैं जा रही हूँ ठीक है अब मैं आपको बाय बाय कर रही हूँ तो लास्ट में मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि आप वो क्रीम लगाना बंद कर दें प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ आपसे बंद कर दें वो क्रीम अगर आप बैठ नो एन लगा रहे हो अपने फेस पर मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर मैंने की थी वो मतलब शायद एक साल यूज़ की थी मैंने वो और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अब आप, आप गालिया मत देने लग जाना क्योंकि मैंने वो यूज़ किया और जिससे मेरे फेस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है हो गई थी तो अभी भी रिपेयर हो ही रहा है मेरा फेस धीरे धीरे कभी कभी हो जाता है एक्नेज मुझे बहुत ज़्यादा तो कभी कभी जब मैं कुछ लगाती हूँ अपने फेस में जब मैं ध्यान रखती हूँ तो वो नॉर्मल में आ जाता है तो मैं चाहती हूँ जो मैं ध्यान रखती हूँ वो आप भी रखें कभी मुझे टाइम मिलता है कभी मुझे नहीं मिलता है आपकी भी ऐसी ही लाइफ है आई नो दैट वेरी वेल क्योंकि जिसकी लाइफ अगर आपको ऐसा लगे कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल है ऐसा नहीं होता सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है Uh, जैसे कि मुझे कॉलेज जाना पड़ता है रियाज़ करना पड़ता है प्रैक्टिस करना पड़ता है जिससे मेरी फेस पे बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है स्वेटिंग ही स्वेटिंग हो जाती है और डस्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा जब मैं आती हूँ तो मुझे बहुत ऐसा अजीब सा फील होता है फेस पे तो कभी मैं बहुत ज़्यादा थकी होती हूँ तो मैं अवॉइड करती हूँ कि यार मैं नहीं कर सकती स्किन केयर रूटीन भाई बिल्कुल मैं सोने लग गई मैं चाहे कुछ भी हो जाए रात को मैं अपने फ़ेस को वॉश किए बगैर नहीं सोती हूँ मुझे दो से तीन साल तो ऐसे हो गए हैं कि मैं रात को ज़रूर फ़ेस वॉश करती हूँ अपना चाहे कुछ भी हो जाए वो बहुत अच्छी आदत है तो चलो ठीक है बातें बहुत हो गई आज की वीडियो यही इसी से रिलेटेड थी आई होप आपको पसंद आई होगी तो चलो ठीक है मैं आपसे विदा लेती हूँ बाय बाय कल मैं आपके सामने फिर से आऊँगी नई वीडियो के साथ नए आइडियाज़ के साथ और जल्द ही मैं अपना स्किन केयर आप आपके सामने लेके आऊँगी अपना मॉर्निंग रूटीन और नाइट रूटीन उसी में मैं आपको स्किन केयर रूटीन बता दूँगी तो चलो ठीक है बाय बाय